नमस्कार, स्वागत है पीएनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। अटल बिहारी वाजपेयी की पांचवी पुण्यतिथि के मौके पर अटल समाधि स्थल पर कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेताओं ने यहां पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी यहाँ मौजूद रहे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अजित पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि वे शरद पवार को ऑफर दे सके। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुधवार को रिश्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इस बाबत जानकारी दी। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की गुप्त मुलाकात उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात के बारे में पत्रकारों से बातचीत की। अजित पवार ने कहा कि पुणे की मुलाकात को दिल पर ना लें। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत 5 अक्टूबर से भारत में होगी। क्रिकेट इतिहास में पहली बार इस मेगा इवेंट की अकेले मेजबानी करने वाले भारत के ऊपर खिताब जीतने का भी बड़ा दबाव रहने वाला है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस को बिना किसी पूर्व अदालत की अनुमति के विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी गई है। इस वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका हुआ। एक और सनी देओल की गदर 2 धमाल मचा रही, तो वहीं दूसरी ओर रजनीकांत के जेलर और अक्षय कुमार के OMG 2 शानदार कमाई कर रही है। चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 आज आखिरी ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसरो इस बात पर जानकारी दी है। चंद्रयान 3 के लिए 17 अगस्त यानी कल का दिन काफी अहम है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर पूरे देश ने आजादी का जश्न मनाया। वहीं इस दौरान दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद राजधानी का मौसम सुहाना हो गया। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।